नमस्कार, जंगली खेती पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। सागौन के वृक्षारोपण यहाँ पे 4 से 5 साल पहले हुआ था और देखिए यह पहाड़ी ढलान वाले क्षेत्र में सागौन के वृक्ष लगे हुए हैं और पतझड़ का मौसम आया है तो पूरे पत्ते सागौन के झड़ के भूमि में पूरी तरह से मंच हो चुके हैं। तो ये मंच को ही हमें अपने खेत में अपनाना होगा। यह जंगल की प्रकृति है और जंगली खेती और जंगल की प्रकृति नेचुरल खेती अगर हमें करना है तो यह फार्मूला ही हमें अपने खेत में भी अपनाना होगा। तो देखिए कितना बेहतरीन तरीके से भूमि में पत्ते मंचिंग हो चुके हैं और कहीं पर भी खरपतवार आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। ये खरपतवार पेड़ होने की वजह से और ग्रीष्म काल में पत्तों के द्वारा मंच कर दी जाने की वजह से ऐसे संभव हो पाता है। ये जो मंचिंग हम देख रहे हैं बारिश के मौसम में पूरे ज़मीन में जाके खाद के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और जो उसमें सूक्ष्म खरपतवार के बीज रहते हैं वो मंच होने की वजह से नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे ही हमें अपनी खेत के फार्मिंग में भी हमें अपनाना होगा। प्राकृतिक खेती या टिकाऊ खेती सस्टेनेबल इकोनॉमिक फार्मिंग अगर हमें अपनाना है तो हमें जितने भी फसलों के अवशेष पदार्थ है उसे ही हमें भूमि में मंच करना होगा। भूमि में जैसे ही हम अपने फसलों के अवशेष पदार्थ को मंच करते हैं तो हमें बाहर से किसी भी प्रकार की कीटनाशक खाद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और यह दिन प्रतिदिन भूमि को उपजाऊ करते चले जाएगी। ऐसे हम अपने भूमि को उपजाऊ करते चले जाएंगे तो हमें पूरी तरह से बाहरी किसी भी प्रकार के रसायन और कीटनाशक पदार्थ खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कम लागत में शून्य पद्धति से ही हम अपने खेत को पूरी तरह से सफल बना सकते हैं। ऐसे ही जंगली खेती पाठशाला में और भी विशेष जानकारी समय समय पे मिलती रहेगी, इसीलिए शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।